अयोध्या पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश की नई टॉप स्टोरीज पर। अयोध्या के राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद पर सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा, पूर्व में हुई चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं, मध्यस्थता के लिए सभी पक्ष सुझाएं नाम, हम जल्द ही सुनाना चाहते हैं फैसला। सुप्रीम कोर्ट में बोली मोदी सरकार, कहा रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए राफेल के सीक्रेट पेपर्स। पुलवामा टेरर अटैक पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, पुलवामा हमले को बताया दुर्घटना, माफी मांगने से किया इनकार। बालाकोट एयर स्ट्राइक में आतंकियों के मारे जाने की संख्या के सबूत मांग रहे विपक्षी नेताओं को केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने अलग अंदाज में दिया जवाब। उन्होंने ट्वीट कर कहा, रात 3:30 बजे मच्छर बहुत थे तो मैंने हिट से मार दिए, अब मच्छर कितने मारे ये गिनने बैठूं या आराम से सो जाऊं। मंगलवार से भारतीय जनता पार्टी की डाउन चल रही ऑफिशियल वेबसाइट को लेकर कांग्रेस ने ट्वीट कर किया कटाक्ष, कहा अगर आपको मदद की जरूरत है तो हम खुशी से मदद के लिए हैं तैयार। कांग्रेस के ट्वीट पर रिट्वीट कर आम आदमी पार्टी ने फिरकी लेते हुए बीजेपी को मदद देने का आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया, इस चुनाव में बीजेपी जब भी डाउन होगी कांग्रेस उसकी मदद करेगी, जैसा कि पहले ही हमने कहा था कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू, मिलेगी 3,000 रुपए मासिक पेंशन। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के 28 दिनों में किए गए 4,237 शहरों में इंदौर तीसरी बार अव्वल, भोपाल को सबसे साफ राजधानी का दर्जा, छोटे शहरों में उज्जैन ने मारी बाजी। गाजियाबाद में हिंडन डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल की जल्द होगी शुरुआत, आगामी 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे देश की नई टॉप स्टोरीज के साथ। धन्यवाद।